गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उषा तन्वर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। काफ़ी टाइम हो गया है, और करीब 7:30 का टाइम हो रहा था। और हमारे घर पे आए थे गेस्ट, हमारे बुआ जी, फूफा जी आए थे, पुनीत भाई आए थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत अच्छा लगा था। देखिए आप बैठे हुए हैं, और लाइट ने ना रात को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो जब घर पर गेस्ट आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सभी को अच्छा लगता होगा, सभी के घर आते हैं, सबको ही अच्छा लगता होगा। और सभी बैठ करके बातें कर रहे हैं, और मैं ना बस चाय बनाने के लिए रख दिया। चाय में उबाल आ जाएगा, उसके बाद मैं सभी को चाय दूंगी। अपने लिए मैंने कॉफ़ी बनाई नहीं थी, बस थोड़ी सी चाय थी ना, तो फिर मैंने वही पी थी, क्योंकि अपने लिए ना फिर हल्का सा आ जाता है, फिर बना नहीं पाती हूँ मैं। इसलिए एक ये होता है ना कि नहीं, मुझे बनानी ही बनानी है कॉफ़ी, वो तो कोई नहीं है। पर जब हम चाय बनाते हैं, फिर बाद में कॉफ़ी की सोचेंगे ना, तो मन नहीं करता फिर बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना मैंने चाय बन गई थी, और सभी को चाय है ना कफों में डाल करके दूंगी। हमारी बुआ जी तो गिलास में पीती हैं, तो हम तो बुआ जी को गिलास में देंगे चाय, क्योंकि मेरा भी यही है। चाहे थोड़ी सी चाय मिले, पर मुझे ना गिलास में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं, अब तो मैंने कम कर दी है, कम क्या, बिल्कुल ही बंद है अब तो मेरी चाय जो है। ज़्यादातर नहीं, मैं गिलास में ही चाय लेती थी। और बुआ जी को गिलास में कर दिया, और फूफा जी को बुआ और पुनीत भाई को कफ में कर दिया है। और बच्चे अभी सो रहे हैं बच्चे, क्योंकि रात को, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, तो उन्होंने ना मतलब बच्चे ना अभी सो रहे हैं। और उसके बाद मैं बस काम से फ्री होकर के फिर खाने पीने का देखेंगे क्या बनेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हैं आप सब? उसे तमाम लोग में आप सभी का स्वागत है। और आज है संडे, अभी नहाना धोना नहीं हुआ यार। और हमारी आई है बुआ जी, यानी कि बुआ सास आई है छुट्टी वाली, और बहुत अच्छा लग रहा है। गेस्ट घर पर आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात को लाइट ने बहुत परेशान किया है, पूरे मथुरा में लाइट नहीं थी, तो इस वजह से है ना बच्चे अभी सो रहे हैं, और मैं भी थोड़ा लेट ही उठी थी सो कर गई, क्योंकि एक तो लाइट नहीं थी, और फिर संडे को तो मैं आराम नहीं होती हूँ। और बस अभी चाय वगैरह बनाई है, उसके बाद मैं नहाने धोने का मतलब नहाने धोने जाऊँगी, उसके बाद मैं देखते हैं क्या बनेगा खाने में क्या नहीं। हमारे लड्डू गोपाल जी का हमने कराया है श्रृंगार, मैंने और बुआ जी, वो है ना मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मैंने चाय बनाई है, मैंने सोचा अपने लिए कॉफ़ी क्या बनाऊँ, तो थोड़ी सी चाय ले ली है मैंने अपने लिए। ये देखिए नहाना धोना हुआ है, बुआ जी, पप्पा जी, पतिदेव, पुनीत भाई यानी देवर, पुनीत भाई भी बाहर बैठे हुए हैं। और यह ना मैंने चेंज करवा ली थी, पहले चटोरी भी ना बताई थी आपको, चलिए मैं ना कुछ कहा चाय पी लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या काम होते, पहले तो नहाने धोने का काम करूँगी, उसके बाद मैं खाना पीना बनाऊँगी, देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊँगी। चलिए तो बाद में बात करते हैं। तो लाइट ने बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया है ना, पूरी रात लाइट नहीं आ रही है, बच्चे में भी सो रहे हैं, अभी परेशान रहेंगे। सर 8-10 लोग हैं, लेकिन मैं तो मीठी चटनी तो खत्म हो गई है तुम्हारी। बाबू आपकी मीठी चटनी तो खत्म हो गई है, ऐसे खा लो, मीठी इतना कम दी थी ना। और यहाँ पर ना मतलब हमारी बुआ जी फूफा जी जो आए हुए थे ना, वो चले गए थे, क्योंकि वो सैटरडे को आए थे दोपहर तक, 12 बजे तक। और उसके बाद में ना चाय वगैरह पीने के बाद में थोड़ी देर बाद चले गए थे नाश्ता वगैरह करने के बाद में। और गर्मी है ना आजकल इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी है ना मैंने थोड़ी देर पहले आपने देखा था, पतिदेव को गोलगप्पे खाने थे, तो घर पर ही मंगा लिए थे। मैं सबको है ना मतलब कि बना करके खिला रही थी, ऐसा नहीं है वो दुकानों पर खिलाते हैं उस तरीके से, तो पतिदेव को इस तरीके से ही खानी थी, तो मैंने सोचा मैं ही बना करके खिला देती हूँ इनको। और यहीं मैं जा रही थी मार्केट, क्योंकि मुझे एक दो सामान लेकर के आने थे मार्केट से,
क्लेचर वगैरह ही लेकर के आने थे मेरे, है ना, दो तीन क्लेचर है वो टूट गए हैं, तो बस क्लेचर वगैरह लेकर के आने थे। और एक लिपस्टिक लाई थी अपने लिए, अपने लिए सेड अच्छा है उसका, तो मैं आपको लिपस्टिक सेड भी दिखाऊंगी कौन सा सेड लिया है। पर जो भी मुझे लिपस्टिक दिखाई थी ना, सभी सेड इसमें काफ़ी अच्छे थे, पर मेरे पास डार्क कलर ना बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी रखे हुए हैं, तो मैं ना डार्क आने जाने में और वैसे लगाती हूँ शादी पार्टी में। बाकी की मैं सोच रही थी मैं ना लाइट कलर ले लेती, क्योंकि मेरे पास ना लाइट कलर नहीं थे, तो बस यहाँ आ गई थी मैं कॉस्मेटिक की। ये है ना प्रेम भाई की शॉप है, प्रेम कॉस्मेटिक, तो यहाँ से मैं अधिकतर मैं यहीं से सामान लेकर के जाती हूँ, और एक शॉप और है तो वहाँ से, इन दो शॉपों से सामान लेती हूँ, बाकी का मैं कहीं से नहीं लेती हूँ। इनका सामान भी बहुत अच्छा निकलता है, तो मैं ना बस यहाँ क्लेचर वगैरह लेने आई थी, भैया दिखा रहे थे इस तरीके से, मैंने कहा इस तरीके से नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे ना क्लेचर भी उस तरीके से चाहिए जो मेरा पूरा जूड़ा कवर हो जाए, क्योंकि इस तरीके से छोटे छोटे ना मेरे पास में बहुत है इस वजह से। तो फाइनली जो चीज़ मैं लेने गई थी वो मुझे नहीं मिली थी, पर मैंने दूसरी तरीके का वो ले लिया जो मेरा जूड़ा सेट हो जाएगा। उसके बाद में हम लेकर के आए थे आइसक्रीम, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी का मौसम आइसक्रीम तो बनती है, तो बस यहाँ सब बैठ करके आइसक्रीम खा रहे थे।